हिजाब का एक इशू पूरे देश में है और एक बच्ची के ऊपर कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग जिस तरीके से नारेबाजी की और जय श्री राम बोल के जोर जोर से अपने एग्रेशन को व्यक्त किया इकलौती बच्ची के ऊपर, ये निंदनीय है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक रिलीजियस जगह पे खड़े हैं, ख्वाजा साहब के आस्थाने पे खड़े हैं और यहाँ सभी समाज को बराबरी के तौर पे देखा जाता है। ऐसे ही अगर श्री राम, भगवान श्री राम की बात करें तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगाया जाता है। मैं उन सभी समाजों से कहना चाहता हूँ कि मर्यादा, जिस तरीके से बच्ची के साथ नारे लगाए गए, ये मर्यादाओं से बाहर का काम है, मर्यादा तोड़ने का काम है। कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन आपको मर्यादा से बाहर जाके काम करने की इजाज़त नहीं देता। ये घटना निंदनीय है और हम सब मिलजुल के ऐसे इंसिडेंट को अवॉइड करेंगे और मिलजुल के काम करेंगे। मुझे आज मैं ख्वाजा साहब के यहाँ हूँ और सुबह में चलने से पहले उत्तराखंड था रुद्रपुर में और मेरे पास आपका बुलावा आया तो मैंने कहा भी मैं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि ख्वाजा साहब के यहाँ से मुझे ज्वाइन करने से पहले बुलावा आ जाए और मैं रिफ्यूज़ करूँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो मैं रुद्रपुर से सीधा अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गया और मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ समापन समारोह में शामिल हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि ख्वाजा साहब का बहुत अहम स्थान है राजस्थान के अंदर और राजस्थान की अकलियत के अंदर, और इनको मानने वाले न केवल मुस्लिम जाति के बल्कि सभी जाति धर्म के लोग बाग यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा से ज़ियारत करके जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो मुझे ये मौका मिला यहाँ आ जाने का और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है मुझे और मुझे खुशी, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी, अशोक गहलोत जी को, अजय माकन साहब को, गोविंद डोटासरा जी को, तमाम हमारी कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को। और जिस वसीले से बनाया, मैं जिनकी दुआओं से बना वहाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने दूरियां पैदा कर दी है। मुझे ये मौका मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि ये दूरियां ख़त्म हो और हम एक साथ न केवल माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए बल्कि पूरे समाज के डेवलपमेंट के लिए और पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें। ये कोशिश करें कि किसी वर्ग का शोषण नहीं हो और कहीं भी सब जाति धर्म को साथ लेके चले। और जो गैप पिछले दिनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के खुद के फायदे की वजह से, खुद के मुफाद की वजह से जो गैप समाज के बीच में आ गया है, उस गैप को दूर करें और कोशिश ये करें कि पूरे हिंदुस्तान में हम एक मिसाल कायम करें और डेवलपमेंट की ओर बढ़े। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कुछ मुद्दे हैं जिन पे इम्फेसाइज करना है, उनमें से एजुकेशन एक मुद्दा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब तक हम ध्यान नहीं दे पाए। तो कोशिश करके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस टेन्योर का एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन के अंदर पिछली बार काफ़ी पर क्या बजट रहेगा? जब मेरा ऐसा मानना है कि जब आपकी काम करने की विल हो तो बजट इशू नहीं आता और बजट अपने आप अरेंज हो जाता है। अभी मैंने चार्ज भी नहीं लिया है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक माइनॉरिटी कमीशन को के साथ साथ माइनॉरिटी कमीशन को प्लानिंग कमीशन के रूप में भी काम करेंगे। एक ऐसा मॉडल प्लान करेंगे जिससे आने वाले, यही नहीं कि खाली जिस जो टेन्योर मेरा है उसमें फ़ायदा मिले, आगे पूरी जनरेशन को फ़ायदा मिले, ऐसी फाउंडेशन के साथ हम काम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं इस गरीब नवाज के आज इस आस्थाने में खड़ा हूँ और मैं बहुत छोटा सा एक गुलाम हूँ और मुझ जैसे इस गुलाम को वफ जैसी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय और गरीब नवाज के सदके में जो मुझे मिली है,
हमारी प्रायोरिटी है कि जो वफ़ करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, और हम भी चाहते हैं वफ़ की कमाई को जो खाने वाले इंसान को सोचना चाहिए, जकात खरात का पैसा है, क्या वो खा के इस दुनिया में रह पाएंगे, क्योंकि इनके पैसों से दुनिया की मदद की जाती है, इसके पैसों से किसी व्यक्ति की मदद नहीं की जाती। उनको कल में जिस तरह से जयपुर या अलग अलग शहरों में जिस तरह अभी कार्रवाई हुई है, कर रहे हैं, मतलब कब्रिस्तानों में चूड़ियों की दुकानें, कब्रिस्तानों में हज़ार हज़ार दो दो हज़ार गज के प्लॉट्स, कब्रिस्तानों में कपड़े की दुकानें, वहाँ ट्रांसपोर्ट की दुकानें, मतलब बड़ा भय लगता है। दुनिया को आखिरत का डर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अच्छा काम करोगे आपके आमाल काम आएंगे। जब इंसान इस दुनिया में रह के अच्छा करके जाएं, और राजस्थान सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार में जिस तरह की जिम्मेवारी माइनॉरिटीज़ के अकलियत के लोगों को दी है, और आज हमारे साथ माइनॉरिटी के चेयरमैन जो राजस्थान सरकार के एक सीनियर विधायक भी हैं, हमारी बहन भी हैं, और जो इस गरीब नवाज के जो हम वाइस साहब के आज जो इस बुलावे पे हम जो हाजिर हुए हैं, मैं तो इनका शुक्र अदा कर सकता हूँ कि हम जैसे लोगों से वफ़ का अच्छा काम ले, और वफ़ को कैसे बचाएं, उसके बचाने में जितना मेरे जो ये सम्माननीय आज मंत्री जरूर बने हैं ये बोर्ड के माइनॉरिटी कमीशन के, लेकिन मुझे फख्र इस चीज़ का है कि विधायक महोदय मेरे बोर्ड के मेंबर भी हैं, और इन काबिलियत लोगों की वजह से पिछली मरतबा हमने बहुत शानदार काम किया, और आज फिर गरीब नवाज के आस्थाने में हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से कि हमें पुनः अच्छे कार्य करने की तौफीक अता फरमाए और सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप ये बताइए वफ का बजट कितना रहा, पिछले साल लैप्स हुआ? देखिए पिछली बार हमारा कोई बजट लैप्स नहीं हुआ। सरकार ने हमें 5 करोड़ रुपए दिए थे, और जो जितने पैसे दिए गए उनकी सैलरी और जिनको डेवलपमेंट में जितना खर्च करना चाहिए, और जो लोगों के सालों से जो 8-8 महीने से बीजेपी कार्यकाल में सैलरियाँ नहीं मिल रही थी, करीबन 8-9 लोगों की जो रिटायरमेंट हो चुके थे, जिनका बोनस जो मूल पैसा था वो ड्यू था, राजस्थान सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री आने के बाद ही उन लोगों को मिला। और फिर हमें उम्मीद है इस बजट में बहुत अच्छा मिलेगा पैसा, जिसे क्योंकि सम्माननीय आज सरकार के पार्ट भी बन चुके हैं, विधायक भी हैं, और इस बजट में एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा माइनॉरिटी लोगों को एजुकेशनल अनेक हब के लिए उन्होंने करीबन 98 करोड़ रुपये दिए हैं। इसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए और सरकार का सहयोग करें, जिससे हमारे लोगों के बीच में एक मैसेज आए कि हमारी भागीदारी सरकार में जिस तरह सरकार ने दी है, उस भागीदारी को हम पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करें। आज 11 रजब है 13 फरवरी 2022। हर साल उर्स के बाद में, उर्स के समापन के मौके पर, जब उर्स की तमाम रसूमात पाए तकमील तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद में हम जमीए खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद ज़ादगान की जानिब से जिन जिन लोगों ने भी उर्स में जो भी सेवाएं खिदमात अंजाम दी हैं, उन तमाम लोगों का हम यहां पर इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, और उनको गरीब नवाज की बारगाह से तबरुक भी पेश करते हैं और तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम है, ये हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा साहब के उर्स मुबारक में 810वें उर्स के मौके पर जितने भी विभाग हैं अजमेर के, जिनके ज़िम्मे प्रशासन ने जो जो काम दिए थे सब ने बखूबी अंजाम दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब के उर्स में, ख़ास बात यह है इस साल के उर्स की, मैं इसमें ख्वाजा साहब की एक करामत बताना चाहता हूँ जो कि ज़िंदा और जावेद करामत है। ख्वाजा साहब की करामत तो हर आने वाले शख्स से जब पूछोगे, जितने भी ज़ायरीन हैं जब उनसे पूछोगे कैसे आएँ, तो वो एक करामत बयान करता है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके शुक्रिया अदा करने के लिए ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे बड़ी करामत जो है वो ये है कि इस साल उर्स के पहले लॉकडाउन के मामला थे, तमाम रात का कर्फ्यू लगा हुआ था, संडे का कर्फ्यू लगा हुआ था, लिहाजा हमने अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब की जानिब से प्रशासन को तमाम ब्रीफ करवाया, शासन को भी जयपुर जाकर के हमने बताया कि ये ख्वाजा साहब का उर्स है। ख्वाजा साहब के उर्स में करोड़ों लोगों की आस्था है, बग़ैर किसी मजहब व मिल्लत की तफरीक के गरीब नवाज की बारगाह में जितनी भी कौमें हैं, जितने भी मजाहिब के लोग हैं, सब हाजिर होते हैं, और बड़ी सख्त आस्था सरकार गरीब नवाज की बारगाह से रखते हैं। करामत यह है कि कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के, ना तो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई जबकि हर साल चलाई जाती हैं, बसों को भी आने में बड़ी परेशानी थी, यूपी में इलेक्शन चल रहा है तो यूपी के लोग भी कम आए, बिहार के और यूपी के लोग आते हैं वो भी कम आए हैं, जो बसें हज़ारों की तादाद में आती थी
उसके बजाय सिर्फ यहाँ पर 450 से 500 के बीच में कुछ आंकड़ा है जो बसें आईं। बावजूद इसके ये 810वां उर्स पिछले 10-15 सालों के जो उर्स हुए उससे सबसे भारी उर्स ये हुआ। ये देखने की बात है, ये ख्वाजा साहब की करामत है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद, सहूलतों के बावजूद, जबकि ट्रेनें बंद थी, कुछ रेगुलर ट्रेनें भी बंद थी, स्पेशल ट्रेनें जो उर्स की ज़ायरीन के लिए चलाई जाती थी वो नहीं चलाई गई, कुछ बसें भी कम आई जो आती थी उसका 20-25% बसें आईं, उसके बाद में ये लोग कहाँ से आ गए। तो ये ख्वाजा साहब की एक जिंदा और जावेद करामत है कि लोग दिखते तो इंसानों की शक्ल में, मगर हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि ख्वाजा साहब के उर्स के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को उतार देता है, तो दिखने में इंसानों जैसी शक्ल दिखती है मगर आपको नहीं मालूम कि उर्स के अंदर जो ज़ायरीन चल रहा है उनके पास में कौन चल रहा है उनके साथ में। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उर्स मुबारक की तमाम रसूमात अदा की गई और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़ायरीन जो यहाँ पर हाजिर हुए थे सब बख़ैर व खूबी उर्स की तमाम रसूमात अदा करने के बाद में सेहत और तंदरुस्ती के साथ में, जैसा कि हमने उर्स के पहले भी कई बयान दिए इस तरह के कि ख्वाजा साहब की जितनी भी रसूमात हैं वो पाए तकमील तक पहुँचने के बाद में जितने भी हाजरीन हैं वो सेहत सलामती के साथ में ख्वाजा साहब के दरबार से अपनी मुरादें झोलियों में भर करके सेहत तंदरुस्ती के साथ अपने घरों को जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग सेहत सलामती के साथ में यहाँ से गए, एक छोटा सा भी हमने ये न्यूज़ नहीं सुनी कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देने वाला एक पेशेंट भी कोई कोरोना के अंदर भर्ती हुआ या कुछ हुआ। ये जिंदा और जावेद करामत है इतनी गैदरिंग के बाद भी। और दूसरी बात यह है जो सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें, चांद रात के पहले कोरोना के जो केसेस थे वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में आ रहे थे। ये ख्वाजा साहब के उर्स की बरकत है, ख्वाजा साहब के जो उर्स की शान है, यहाँ पर लोगों को आना था, हाजिरी देना था, अल्लाह ताला ने उस बीमारी को आज चांद रात के वक्त 1.5 से 2 लाख केस आ रहे थे। आज की तारीख में मैंने ये सुना है कि 44,000 केस हैं पूरे इंडिया में। तो ये देखने वाली बात है कि वो जो आंकड़ा है वो भी 25% रह गया। तो ये ख्वाजा साहब की जिंदा और जावेद करामत है। हम तमाम जमीय खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से तमाम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, शासन का भी शुक्रिया करते हैं, ख़ास तौर से अभय कुमार जी जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं, उनको कि हमने जब उनको जाकर के ये बताया सारे मामलात उस हाई लेवल मीटिंग के अंदर ये तय किया गया और उसके बाद में 5 फरवरी से जो ख्वाजा साहब के उर्स होने वाले थे तो उन्होंने नाइट कर्फ्यू हटाया, संडे का भी कर्फ्यू हटाया, सारे रिस्ट्रिक्शन न सिर्फ अजमेर के बल्कि पूरे राजस्थान से सारे रिस्ट्रिक्शन हट गए। ये ख्वाजा साहब के उर्स की बरकत है और ख्वाजा साहब के उर्स का ये तोहफा है। तमाम राजस्थान के जितने भी निवासी हैं हमारे सबके लिए गरीब नवाज की बारगाह से ये तोहफा मिला है, लिहाजा हम जमीय खुद्दाम ख्वाजा दुआ करते हैं और साथ में प्रेस वालों का भी, ख़ास तौर से जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ उन्होंने उर्स के अंदर, ख्वाजा साहब के उर्स में जो ज़ायरीन आए, तमाम जो रिपोर्टिंग की वो ख्वाजा साहब की श्रद्धा में अकीदत में डूब करके उन्होंने की। लिहाजा हम सारे मीडिया कर्मी भी जितने हैं सबका तहे दिल से जमीय खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से, हमारी पूरी अंजुमन की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से, पूरी कम्युनिटी की जानिब से हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं जयपुर में हमारे गोयल साहब, गोरा गोयल साहब जो यहाँ पर कलेक्टर रह चुके हैं, आजकल JDA में हैं। उसके पहले जब हम वहाँ पर गए जयपुर शासन से मुलाकात के लिए तो उस वक्त गोयल साहब ने भी हमारे इस मुद्दे की वकालत की और साथ ही मैडम आरती डोगरा जो यहाँ पर कलेक्टर रह चुकी हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को शासन के साथ पहुँचाने तक हमारी बड़ी मदद की वहाँ पर। लिहाजा ये जितने भी हैं हम ये दुआ करते हैं कि जितने भी शासन प्रशासन और जितने भी विभागीय लोग हैं, जिन जिन लोगों ने भी ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी अपनी सेवाएं दी, उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं कि सबके सबको सेहत सलामती अता हो और उनके इज़्ज़त में, इकबाल में और बुलंदी और तरक्की अता हो। सलाम।